हमारे लिए हमारे मुक्ति के लिए अपने एकलौते पुत्र को इस धरती में भेजा है, वही हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन दिवस है, जो उस महोत्सव को हम उल्लास उमंग से 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। तो इस समय में हम आज 24 रात को ही हम लोग ईसा पूजा पलिना चलाते हैं, उसी में ईसाई भाई बहन लोग विश्वास के साथ और वे लोग ईसा पूजा में भाग लेते हैं। उसी के चलते हम लोग इस आज के दिन में उन लोग हम ईसा मसीह के जन्मदिन मनाते हुए हम क्लास में हम लोग मनाते हैं। इस क्षेत्र के लोग सिर्फ ईसाई नहीं बल्कि अनेक धर्म के हमारे भाई बहन लोग आते हैं, ईसा मसीह के दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं, उन लोगों को मन्नत मांग के चले जाते हैं। विश्वास है कि इस मातृधाम में माँ का घर है, माँ का मातृधाम है, इसमें उन लोग आते हैं, इसमें जो भी उन लोग मन्नत मांगते हैं वो प्राप्त होता है। तो उस विश्वास में लोग आते हैं, यहाँ कैंडल वगैरह चलाते हैं, अलग विश्वास को एक दर्शन करके निकल जाते हैं। आज का दिन अटल जी के जन्म दिवस के रूप में, प्रथम जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद आज प्रथम जन्म दिवस है। और संयोग है कि आज ही का दिन यीशु का भी जन्म हुआ है, तो दो महान विभूतियां विश्व में आज के दिन पैदा लिए थे। और समस्त मुकामवासियों को मैं आज अटल जी के जन्म दिवस एवं प्रभु यीशु के जन्म दिवस के रूप में सभी मुकामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ मुकामा, विकसित मुकामा।